नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुवन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया के उन तमाम पहलुओं के बारे में जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन अमूमन लोगों का ध्यान नहीं जाता। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं तिब्बत के लोगों के बारे में, उनके निर्वसन के बारे में, भारत की विदेश नीति के बारे में और विश्व शांति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में। तिब्बत को दुनिया का छत कहा जाता है लेकिन वही तिब्बती अपने सर के ऊपर एक छत के लिए पूरी दुनिया में भटक रहे हैं। भारत सरकार ने उनकी इन संवेदना को समझा और उनके रहने के लिए सुरक्षित जगह मुहैया कराई, लेकिन शर्त यह लगाई कि उनकी गतिविधियों से दुनिया की शांति को कोई खतरा उत्पन्न नहीं होगा और इलाके की अस्थायित्व भी बरकरार रहे। मैक्लूडगंज में रहने वाले ये शांत लोग अचानक उबल पड़ते हैं। इनके नारे, इनकी बातें इनके दर्द को बयां करते हैं। लेकिन ये भी अजीब सा लगता है कि इन संकरी गलियों में घूम घूम कर वो सालों से ऐसा ही कर रहे हैं। कभी वो तिब्बत की याद करते हैं तो कभी चीन पर सवाल खड़े करने लगते हैं। आखिर कौन है ये, क्या चाहते हैं? That we must have the freedom in Tibet, and we are grateful that Indian government is not only hosting us as refugees, but also give us the freedom with which we can actually express our solidarity with our brothers and sisters in Tibet. हिमाचल के इन पहाड़ों की शांति के बीच न्याय की गुहार लगा रहे ये लोग दरअसल तिब्बत से आए हैं। कानूनी रूप से ये यहाँ शरणार्थी हैं, लेकिन इनके रहन सहन से ये पता चलना मुश्किल है कि ये भारत के निवासी नहीं हैं। The space India has provided, no country has done that. No country has done. Despite India own, because India has their own problem, every country has like. But India has provided such a space where Tibetan are provided a separate community. The Tibetan community has done a good job. In looking after itself. इन लोगों के मन में एक अरमान आज भी जिंदा है कि वो दिन आएगा जब ये अपने वतन लौटेंगे। ये मानते हैं कि या तो चीन की सरकार कमजोर होगी या उसके अंदर ये समझ आएगी कि निर्वासन में रहने वाले तिब्बत के नागरिकों को सम्मान के साथ वापस बुला लिया जाए। लेकिन जब तक वो वक्त नहीं आता, भारत ने इन्हें अपने लोगों से भी ज्यादा सहज कर रखा है। इन्हें विशेष सम्मान और प्यार दिया है। इंडियन गवर्नमेंट हैज डन द मोस्ट फॉर टिबेटन पीपल बाय फार। इफ यू कंपेयर एनी कंट्री दैट वी कैन से विद प्राइड एंड विद सर्टेनिटी। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और वहां की पूरी व्यवस्था नए शासन के मुताबिक खुद को ढालने में लगी थी, उस वक्त तिब्बत के बौद्धों के धार्मिक गुरु और सामाजिक राजनीतिक नेता दलाई लामा नौजवान और काफी लोकप्रिय थे। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को ना तो दलाई लामा की धार्मिक छवि पसंद आ रही थी, ना ही चीन की जनता पर उनका प्रभाव। तो वही तिब्बतियों और खुद दलाई लामा को भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सेना और कैडर प्रधान प्रशासन रास नहीं आ रहा था। टकराव बढ़ने लगा और दलाई लामा को अपनी जान का खतरा भी महसूस होने लगा। पॉलिटिकल रिप्रेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, सोशल मार्जिनलाइजेशन, कल्चरल डिस्ट्रक्शन एंड ऑब्वियसली यू नो यू कैन सी the huge migration of Chinese into Tibetan areas, thereby making Chinese Tibetans a second-class citizen in their own country. इससे ना सिर्फ चीन बल्कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के बौद्धों में असंतोष और भीषण हिंसक संघर्ष शुरू हो सकता था। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और भारत इस धर्म की जन्मस्थली है। भारत अगर चाहता तो चीन का सरदर्द बढ़ाने के लिए तिब्बतियों के इस असंतोष का रणनीतिक फायदा उठा सकता था। For India, I think one of the best tool is Tibet. Actually, I would be very happy
if the government of India uses the Central Tibetan Administration or even the Tibetan people or even the Tibetan issue more. लेकिन भारत को पड़ोसी के साथ टुच्ची राजनीति के बजाय अच्छे रिश्ते और शांति की चिंता थी। When they sought shelter in India, we did not deny them the shelter. We allowed them to stay here, but on the strict understanding, on the strict condition that they would not carry out any hostile activities directed at China from Indian soil. लेकिन दलाई लामा के रुख काफी कड़े थे। उन्हें साफ दिख रहा था कि चीन की नई सत्ता उनकी कोई बात नहीं सुनेगी। अगर वो उस समय तिब्बत में रहते तो टकराव बढ़ता और लाखों तिब्बतियों की जानें जा सकती थीं। वो भारत आना चाहते थे। The reason why His Holiness had chosen India to be his second home when he came into exile, I think that's a very obvious reason, because India is the closest, you see, most intimate country to Tibet. चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले सबसे पहले देशों में भारत शामिल था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारत ने चीन का समर्थन किया था। चूंकि इस घनिष्ठता की नींव खुद पंडित नेहरू ने डाली थी, इसलिए तिब्बतियों को भारत में शरण देना उनके लिए कठिन निर्णय था। लेकिन पूरा तिब्बत आंतरिक संघर्ष से लहूलुहान न हो जाए, इससे बचाने के लिए उन्होंने दलाई लामा का भारत की धरती पर स्वागत करने का निर्णय लिया। तिब्बत और भारत के बीच की सीमा उस समय खुली रहती थी, लेकिन रास्ता काफी कठिन था। इसके बावजूद भारत आने की तिब्बती लोगों की इच्छा इतनी प्रबल थी कि दलाई लामा अकेले नहीं आए थे। उनके साथ 80,000 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने दुर्गम पहाड़ों को लांघा, नदियां पार की। Realizing that we may not be able to go back to our country immediately, that we might be here for at least some time. So, what the government of India did was to establish Tibetan refugee settlement camps. इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बसाना और संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैक्लूडगंज के इस बाजार को देखिए तो समझ में आएगा कि इनका जीवन किस तरह गुलजार है। मजबूरी में वतन छोड़कर आए इन लोगों का भारत ने खुले दिल से स्वागत किया। वो इतिहास की एक यादगार घटना है। भारत ने इन्हें शरणार्थी नहीं बल्कि अतिथि का दर्जा दे रखा है। India is such a country, as you would know also, that you know, they even consider the guest more important than yourself, where they say Atithi Deva Bhava, you know. दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में रहने की जगह दी गई। पहले उत्तराखंड का मसूरी और फिर बाद में धर्मशाला से सटा मैक्लूडगंज उनके और उनके संगी साथियों का पहला ठौर बना। His Holiness had extensive discussions, very intimate discussions with Mr. Nehru with regard to the best possible way of not only sheltering the Tibetan refugees who were there, who had come to India to seek asylum, but also keeping in mind the importance and urgency of, you know, preserving and promoting Tibetan culture. तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को पता था कि सिर्फ हिमाचल में इतनी बड़ी जनसंख्या को बसाने से स्थानीय और तिब्बत के लोगों के बीच असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उनसे तिब्बती अतिथियों के लिए जगह देने की अपील की। भारतीय राज्यों ने भी उन्हें निराश नहीं किया। हिमाचल प्रदेश के अलावा उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और दिल्ली सहित अन्य कई राज्यों में तिब्बती अतिथियों को बसाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स हेल्प अस रिमेन इन इंडिया इन डिफरेंट स्टेट्स, फॉर एग्जांपल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। तिब्बत से भारत आए लोगों को कई जगह बसाया गया था। उसमें एक जगह है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का चंदवाड़ा गाँव। अभी हम चुनताड़ा गांव में प्रवेश कर रहे हैं और देखते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग, तिब्बत के लोग, इस गांव में रह रहे हैं।
हम 91 में आए यहाँ। यहाँ पहले थोड़ा दर्जी के काम किया, फिर इसके बाद थोड़ा कार्पिंग का काम किया, इसके बाद दुकान। I went to the TCV Children's Village School, Suja. Then I stayed the school 3 years. मैं पहला स्वेटर बिजनेस करता है, उसके बाद ये गलेच वगैरह बना था, पहला कॉलोनी में बना था। लेकिन इतनी बड़ी संख्या के लिए वो जगह काफी नहीं थी, उन्हें हिमाचल के दो ग्रामीण इलाकों में रहने के लिए जमीन दी गई। I take care of the welfare of the Stephen settlement in the field of education, in the field of welfare, in the field of health and everything. India is so, this is truly free country. Truly free country, truly friend country. Really, really. इनके लिए पूरे भारत के इलाके खुले थे, ये चाहे तो व्यापार करें या खेती, कोई बंदिश नहीं थी। इन लोगों ने भी कभी मेजबान भारत के लोगों को निराश नहीं किया। उनके साथ आपस में भाईचारा है, उठना बैठना है, और तिब्बत जो यहाँ पर रहते हैं उनके आने से यहाँ का जो बिजनेस है वो काफी डेवलप हुआ है। तिब्बत के लोगों ने यहाँ बेहतर तालीम हासिल की और स्वदेश लौटने के सपने संजोए भारत की विविधता और विकास में योगदान कर रहे हैं। I did my law school in India in Pune University, and there we have organized Tibetan cultural programs. We have so many friends, Indian friends, especially the Marathi, Maharashtrian students coming over to our functions. बच्चों के लिए हर बस्ती के आसपास स्कूल खोले गए हैं। भारत ने इन स्कूलों के लिए जगह दी है और देखरेख के लिए अलग से केंद्रीय स्तर पर एक बोर्ड का गठन भी किया गया है। इन स्कूलों में तिब्बती शिक्षा के अलावा दूसरे विषय CBSE सिलेबस के मुताबिक पढ़ाए जाते हैं। The aim of giving education in this school according to the document is number 1 it is freedom, number 2 it is altruism, number 3 it is upholding the heritage and number 4 innovation. दलाई लामा के साथ भारत आए परिवारों में बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। समस्या यह थी कि उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उन बच्चों को भारतीय स्कूल में भर्ती कराया दिया जाए, लेकिन दलाई लामा ने कहा कि अगर उन बच्चों को भारतीय स्कूलों में भर्ती करा दिया जाएगा तो तिब्बती संस्कृति को वे भूल जाएंगे। इसलिए दलाई लामा ने प्रस्तावित किया कि उनके लिए अलग से तिब्बती स्कूल बनाए जाएं, और भारत सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को मान लिया। यह है तिब्बतियों का अस्पताल। वैसे तो इनके लिए भारत के हर अस्पताल खुले हैं, लेकिन उनको अलग से भी अपनी चिकित्सा परंपरा को आजमाने की पूरी छूट है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग के तहत तिब्बती चिकित्सा पद्धति को फलने फूलने का पूरा अवसर दिया गया है। आजकल के दौर में जहां एलोपैथिक से किसी को लाभदायक नहीं हुआ है, वो ये हमारे चिकित्सा के द्वारा लाभदायक हुआ, इसका प्रमाण बहुत हुआ है। तिब्बती शरणार्थियों और दलाई लामा को इस बात पर संदेह था कि वहाँ से जो लोग आए हैं वो लोग भारतीय चिकित्सा पद्धति के साथ फिट बैठेंगे नहीं। इनके अस्पताल आज भी किसी सामान्य अस्पताल की तरह ही काम कर रहे हैं। सर्जरी को छोड़ दिया जाए तो दवा से इलाज करने वाले इनके डॉक्टरों की पूरी दुनिया में मांग है। आज ये लोग मैक्लूडगंज की अपनी दवा फैक्ट्री में आधुनिक तौर तरीके से दवाओं का निर्माण भी कर रहे हैं। We get this all the raw herbs from different sources. Actually, majority of are from we brought from Indian markets and few materials from outside also. ये वक्त है काम करने के बाद सामूहिक भोजन का। यहाँ इन्हें कम कीमत पर मिला जुला भारतीय और तिब्बती भोजन मिल जाता है। ये लोग बेहद अनुशासित होते हैं। इनका कहना है कि सामाजिक नियंत्रण और संगठित काम करने की प्रेरणा बौद्ध धर्म से मिलती है, जिसका जन्म
भारत में हुआ था और भारत की भूमिका आज भी इनके दिलों में रची बसी है। इंडिया इज द ओनली कंट्री यू नो हु हैज गिवन अस अ रिफ्यूज एंड वी आर इमेंसली थैंकफुल टू इंडिया एंड वी कैन आल्सो रिलेट इंडियन कल्चर विद टिबेटन कल्चर। आपको ले चलते हैं मैक्लूडगंज के मूल बौद्ध मंदिर में। यहीं से दलाई लामा भक्तों को संबोधित करते हैं। निर्वासन के बाद अपने लोगों के लिए दलाई लामा ने जो भी चाहा भारत ने उन्हें दिया, चाहे आवश्यकताओं की चीजें हो या फिर अभिव्यक्ति की आजादी। दलाई लामा की संगठन क्षमता और भारत के साथ सहयोग के कारण यह संभव हो पाया कि निर्वसन के बावजूद किसी भी तिब्बती को यहाँ किसी तरीके की तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन किस तरह दलाई लामा ने व्यक्तिगत नेतृत्व को सामूहिक नेतृत्व और लोकतंत्र की जद्दोजहद में बदल दिया, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन में। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं निर्वसन में तिब्बतियों के आत्मसंघर्ष की कहानी। तिब्बत से आने के बाद दलाई लामा को पता था कि उनका जीवन अनंत काल तक सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने भारत आने के बाद सबसे पहला काम किया खुद के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन का, और बाद में उन्होंने इस सरकार को पूरी तरह लोकतांत्रिक परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित कर दिया। अभी हम खड़े हैं उसी सरकार के मुख्यालय के सामने। दलाई लामा ने हमेशा से भारत को अपना गुरु माना है। उन्होंने प्रवासी तिब्बतियों को भारत के लोकतंत्र से सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसने तिब्बतियों को किसी भी तरह के खून खराबे से रोका। कानूनी रूप से इस सरकार को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी CTA के रूप में मान्यता दी गई है। Whatever name we may call, it is the administration which administers on the Tibetans in exile. It is the administration that the people inside Tibet looks towards with hope. जैसा कि इस नाम पट्टिका से भी जाहिर है कि ये महज प्रशासन नहीं बल्कि पूरी सरकार की तरह काम कर रहे हैं। सेना और पुलिस को छोड़ दिया जाए तो ये शासन और प्रशासन के हर पहलुओं में अपने को सक्षम बनाना चाहते हैं, ताकि जब कभी भी तिब्बत जाने की स्थिति बने तो कोई यह न कह सके कि तिब्बती शासन नहीं चला सकते। ये है तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री लोबसांग सेंगे। इन्हें तिब्बती में सिंग्योंग कहा जाता है। इनका बाकायदा चुनाव होता है। चुनाव में दुनिया भर के तिब्बत के नागरिक मतदान करते हैं। पहले दलाई लामा खुद सरकार के प्रमुख होते थे, लेकिन अब वो सिर्फ सरकार के अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं। Have His Holiness Dalai Lama returned to Tibet and restore freedom for Tibetan. That is the, you know, immediate objective and the most important objective. At the same time, when you run this administration, you have to strengthen the administrative mechanism and the support system that we have at the international community. इन बच्चों की खुशी का राज ये है कि अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़े सिंग्योंग अन्य विभागों पर नजर रखने के अलावा शिक्षा विभाग को भी संभालते हैं। वो खुद स्कूलों में जाते हैं और तिब्बती बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। We provide education to 23,000 Tibetan children. There, even if you look at the school curriculum, you find up to class 5, we teach everything in Tibetan. Then after class 6, we introduce, you know, curriculum in English language. So that we want to have children rooted in Tibetan tradition, in Tibetan language. Then introduce English and modern education. Tibetan शरणार्थियों के स्कूल कई मामलों में भारतीय स्कूलों से भी बेहतर हैं। ये आधुनिक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा दोनों को मिलाकर इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, ताकि वे भविष्य में जब बड़े हों तो तिब्बत को न भूलें और भारत को भी न भूलें। ये लौ महिला है केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की गृह मंत्री डोलमा क्यारी। तिब्बती आंदोलन में इन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। वो भारत और दुनिया में रहने वाले तिब्बतियों के कल्याण के कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार होने के अलावा उनके अधिकारों को भी सुरक्षित करने की कोशिश करती हैं। When we first came into exile, it was principally the representative of the Home Department
called the settlement officer in larger Tibetan refugee settlements or the welfare officer. हालांकि तिब्बती प्रशासन को पुलिस और रक्षा विभाग बनाने की कोई आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक वो भारत में हैं, लेकिन उनका विदेश विभाग बखूबी काम करता है। किसी भी दूसरी राष्ट्रीय सरकार की तरह तिब्बत की निर्वासित सरकार के पास भी एक विदेश मंत्रालय है। यह वो मंत्रालय है जिसके द्वारा वे पूरी दुनिया के साथ अपने को जोड़ते हैं, अपने मित्रों के साथ संवाद करते हैं और उन लोगों के साथ ही बात करते हैं जो उनके कॉज के प्रति संवेदना नहीं रखते। अभी हम जा रहे हैं विदेश मंत्रालय की तरफ। ताशी फुनसेक किसी भी अन्य देश के विदेश सचिव के रूप में काम करते हैं और खूब व्यस्त रहते हैं। We have 11 offices of Tibet around the world, including New Delhi, Kathmandu, Taipei, Tokyo, Canberra, Moscow, Geneva, Paris, Brussels, England, New York, etc. तिब्बत की निर्वासित संसद अपने आप में लोकतंत्र के साथ तिब्बतियों के प्रयोग का बेहतरीन नमूना है। इस संसद में 44 सदस्य हैं। 5 साल में इनके चुनाव का प्रावधान है। तिब्बत के भविष्य और वर्तमान को लेकर संसद में खूब बहस भी होती है। एक सदन वाली इस संसद के स्पीकर पेनपा सेरिंग को भरोसा है कि वो इस संसद के माध्यम से तिब्बत के सपनों को जिंदा रखते हैं। Important responsibility for the Tibetans in exile is to work towards returning back to Tibet in whatever form. Of course, there is the younger generation of Tibetans who aspire for Tibetan independence. यहाँ निर्वासन में रहने वाले तिब्बतियों के नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। दरअसल दलाई लामा ने शुरू से ही तिब्बतियों को लोकतांत्रिक परंपराओं से सबक लेने की सलाह दी है और उन्होंने पूरी सरकार को इस संसद के प्रति जिम्मेदार बनाया है। करीब 2000 नियमित और अनियमित कर्मचारियों वाली सरकार में भर्ती की एक चाक चौबंद प्रक्रिया है। All the official posts are almost based on what Indian services have. It is the Public Service Commission of the CTA which deals with the recruitment. दलाई लामा जब तिब्बत छोड़कर भारत आए तो उनके सामने दो बहुत बड़ी चुनौती थी। एक, जो तिब्बत छोड़कर जो लोग आए हैं उनके जेहन में तिब्बत की संस्कृति को ताजा रखना और दूसरा, आने वाली पीढ़ियों को तिब्बत की संस्कृति से वाकिफ रहना। इन्हीं दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दलाई लामा ने नोरबोलिंगला नामक इस संस्थान का गठन किया और इस संस्थान में तिब्बत के लोगों को तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि ये लोग जब वापस तिब्बत लौटें तब उनके मन में तिब्बत पूरी तरह ताजा रहे और वे पूरी तरह तिब्बती बनकर ही तिब्बत वापस लौटें। चीन के साथ तिब्बत के लोगों की पूरी लड़ाई ही अपनी संस्कृति को लेकर है। ऐसी कई जगहें हैं जो भारत में तिब्बत को सांस्कृतिक रूप से जिंदा रखती हैं, चाहे उनकी चित्रकला हो या फिर मूर्तिकला। और तो और, खुद तिब्बती प्रशासन ने जमीन खरीद कर एक बेहतरीन पर्यटन स्थल विकसित किया है। His Holiness gave this task to the our founder of the institute, Mr. Kelsang Ishii. He founded this institute in 1987. भारत की विदेश नीति की खासियत है कि तिब्बतियों को भारत में रहने के बावजूद जड़ से नहीं उखड़ने दिया गया। If it hadn't been for India and a place where they could call home for a while, I think the Tibetan refugees would have been scattered all over the world. It would have been probably much harder for them to unite, much harder for them to have this sort of a voice. Dalai Lama aur Tibetiyon ka khyal rakhne ke liye McLeodganj mein Bharat sarkar ne videsh mantralay ke ek vishesh adhikari ki niyukti kar rakhi hai. Inka karyalay ek tarah se Tibetiyon ki shikayat ka pehla kendra banta hai. वैसे दुनिया में शरण देने की परंपरा नई नहीं है, लेकिन भारत का यह अनूठा प्रयोग है। पाकिस्तान या पश्चिम एशिया के कई देशों ने जिन्हें शरण दिया उन्हें हथियार भी पकड़ा दिए, जो आतंकवादी बनकर पूरी दुनिया में तबाही फैलाने में लगे हैं। लेकिन भारत ने जिन्हें समर्थन दिया उन्हें कठोर अनुशासन में बांध कर रखा। भारत में रहने वाले तिब्बतियों को पूरी दुनिया में सम्मान से देखा जाता है। इंडिया इज द ओनली प्लेस फॉर द freedoms growing. India will be, India should be common ground for the world peace. भारत के पहचान पत्र पर उन्हें ज्यादातर देशों में जाने दिया जाता है। We've also given them, I mean,
in order to enable them to travel abroad, they are issued certificates of identity. These are not passports, but it's simply a piece of paper which allows them to return to India. ये भारत की विदेश नीति की सफलता है कि तिब्बती सर उठाकर दुनिया में चलने के काबिल हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने शांतिप्रिय लोगों को चीन स्वायत्तता क्यों नहीं देता, जबकि मकाओ हांगकांग को एक शासन दो व्यवस्था के रूप में चीन ने मान्यता दी है। The people in Hong Kong, Macau and Shenzhen are Chinese. They see Tibetans as not Chinese, they are Tibetans, and there is an element of discrimination. You know, hence there is this racial element to this discrimination which is very disturbing. Otherwise, Chinese government should not have any basis not to give genuine autonomy to Tibetans. हालांकि ये चीन का आंतरिक मामला है और पंचशील सिद्धांत के मुताबिक भारत ने तिब्बत के मामले में चीन पर ना तो कोई दबाव बनाया ना ही हस्तक्षेप किया, लेकिन तिब्बतियों को इस काबिल बनाए रखा कि अनुकूल स्थिति बनने पर वो अपने वतन लौटें तो चीन और दुनिया में सकारात्मक योगदान दे सकें। तो तिब्बतियों के इस संघर्ष और कश्मकश के साथ हम आ पहुंचे अपने कार्यक्रम के अंत में, लेकिन आपसे विदा लेने के पहले निष्कर्ष के तौर पर एक बात बताना चाहते हैं। कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन तभी उग्र या आतंकवादी हो सकता है जब कोई बाहरी देश उसे समर्थन करे। दलाई लामा और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मसलों को शांति के साथ हल करने का एक नया इतिहास रचा है, जिसकी आखिरी इबादत वैसे तो चीन को लिखनी है, लेकिन अन्य पड़ोसी देश भी इसका अनुसरण करें तो एशिया शायद दुनिया में रहने लायक सबसे अच्छी जगह साबित हो सकती है। राज्यसभा टेलीविजन के इस खास कार्यक्रम में अखिलेश सुमन की तरफ से आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।